नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एनिमोलॉजिस्ट सिल्के सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 2024 के प्रेडिक्शन अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए। तो आपके अंदर भी बहुत उत्सुकता होगी कि आपका 2024 कैसे रहने वाला है, आपको क्या प्लानिंग करनी है और किस क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है बेसिकली। तो आज हम बात करेंगे 2024 के बारे में। और अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि आपको ये राशि कौन से सन साइन से देखना है या मून साइन से, तो मैं आपको कहूँ जिस भी राशि से। हाय माय डियर वर्गोस, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल ईयर वर्गोस। चलो पहले पर्सनल लाइफ देख लेते हैं, फिर प्रोफेशनल लाइफ भी देखेंगे। पर्सनल लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए वर्गोस, तो कहीं ना कहीं साल की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होते हुए दिख रही है। अपने वो जज्बा है आपके अंदर, वो क्लियर साइट है कि आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर से, क्या नहीं चाहिए, बहुत क्लियर है अपनी चीजों को लेके। जहाँ पे भी कुछ लियो कुछ वर्गोस को आई सॉरी कुछ वर्गोस को हो सकता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ रहा है, और वो बहुत बेबखूबी से आप वो पेशेंस रख रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में। ओह सॉरी, बहुत पेशेंटली आप चीजों को डील कर रहे हैं, उनके उनके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। अपने जो भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत बखूबी निभाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। नया क्या कर सकते हैं आप अपने रिलेशन में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने आप को स्किल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखो मैं पर्सनल लाइफ के लिए, तो साल तो बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट कर हो रहा है। अगर हम आगे जाके देखें तो आगे जाके भी वर्गोस कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बेहतर होते हुए दिख रही है। कुछ लोग कुछ वर्गोस की यहाँ पे जो शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे आप ईयर के मिड में कहीं ना कहीं वो प्लानिंग जो है सक्सेस की तरफ जाते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं शादी जो है वो होते हुए दिख रही है मुझे, चीजें अच्छी होते हुए दिख रही है। अगर आप अपने आप मुझे एक कमिटमेंट आपको कुछ तो कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उनको कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, या तो आप कमिटमेंट देते हुए भी दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे ओवरऑल अगर मैं देखूँ ये मिड ऑफ द ईयर। इसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ तो आगे भी मुझे देखिए ओवरऑल मैं देख रही हूँ ना अगर वर्गो, तो ये साल जो है पर्सनली इमोशनली बहुत स्टेबल दिख रहा है मुझे आपके लिए। चीजें जो है आपके लिए लक लक जो है आपका साथ देते हुए दिख रहा है एंड ऑफ द ईयर में भी। ओवरऑल तो दे ही रहा है, पूरे साल ही दे रहा है, लेकिन अगर मैं एंड की बात करूँ तो एंड में जो भी चीजें हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जो भी नेगेटिविटी भी आ रही है, न्यू बिगनिंग्स भी अगर आपको करनी पड़ रही है कुछ वर्गों को, तो आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके चीजों को दोबारा स्टार्ट करना जानते हैं। चीजों को दोबारा उस हिसाब से आप ट्राई कर रहे हैं कि कैसे करें, कितना अच्छे से अपने आपको एक बहुत केयरिंग नेचर दिख रहा है आपको, बहुत केयरिंग पर्सपेक्टिव दिख रहा है, बहुत चीजों को संभल के चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी चीजें ऊपर नीचे हो रही है ना, बहुत संभल के चल रही है। बाकी मेरे को ओवरऑल देखो कोई बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा है वो कुछ। तो ओवरऑल मैं कहूंगी साल जो है अगर मैं पर्सनल लाइफ के हिसाब से देखूँ तो बहुत पॉजिटिव है। अब हम देख लेते हैं आपका प्रोफेशनल लाइफ।
तो वर्गोस देखो, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिले, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा करियर में स्ट्रगल देखने को मिले आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, लेकिन वहां पे भी काम क्या आएगा, आपका एक्सपीरियंस, आपका अपने एक्सपीरियंस को वैल्यू करना, अपने एक्सपीरियंस को आगे लेके उस हिसाब से चलना, ठीक है। मिड ऑफ द ईयर जो है, मतलब ओवरऑल अगर फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ महीने देखे तो थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल चीजें ठीक है, आप उस चीज को डील कर लोगे, और शायद इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस भी रख रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में भी, जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं चीजों को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो, जो चीजें अभी तक खराब है उस चीज को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर आगे हम बात करें तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्शंस ले रहे हो, एक्शंस या अपने जो भी आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नई जॉब चेंज करना है, तो आप उसके लिए काम करते हुए देख रहे हो, आपका पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को लेके है, आप सीरियस हो अपने चीजों को लेके, आप डिटरमाइंड हो, और आप अपने उस हिसाब से चीजों को आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। चीजें ओवरऑल ठीक है, बहुत ही अच्छा नहीं, लेकिन पर्सनल लाइफ इस टाइम पे ज्यादा बेटर चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं ध्यान ज्यादा उधर लग रहा है, लेकिन इस चीज को भी लेके आप फोकस्ड हो, चीजों को आप कर रहे हो, न्यू स्टार्टिंग कर रहे हो, न्यू चीजें करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम एंड पे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है बाय द एंड ऑफ द ईयर वर्गोस, बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस, बहुत जो भी पास्ट में चीजें हुई है सारा रिकवर होते हुए दिख रहा है, सारी चीजें जो है वो अपने हिसाब से चलते हुए दिख रही हैं। तो मैं बोलूँ कि साल का एंड जो है, पर्सनल लाइफ के हिसाब से देखा जाए, इमोशनल वेलनेस की तरफ से देखा जाए, तो ओवरऑल जो ये साल है बहुत ही बढ़िया है, स्टार्टिंग से देखिए हील कर रहे हो अपने आप को, हील करके अपने आप को स्टेबल कर दिया इमोशनली, और फिर आपको उस चीज को लेके चल रहे हो, बहुत मेच्योरली लेके चल रहे हो। प्रोफेशनली देखा जाए तो इतने एक्सपीरियंसेस पे काम कर रहे हो, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी तक काम किया है, जो सीखा है, जो भी चीज आती है, जो भी लर्निंग्स आती है, उस चीज को यूज करके काम कर रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आगे एक्शन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, अपने लिए रुक नहीं रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, धीरे 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 चले जा रहे हो, और उसी उसी की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है, उसको ग्राब कर रहे हो और उस पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, तो ओवरऑल साल जो है चंगा सी, ठीक है। अब ले लेते हैं हम एंजल मैसेज। देखो पहला कार्ड जो आया है वो है लिसन टू योर इंट्यूशन, तो इंट्यूशन को सुनने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी एक दो कार्ड में गणेशा मैसेज से भी निकाल लेती हूँ, फिर समझाती हूँ। देखो देखो, प्रायोरिटीज और नॉट द राइट टाइम एक साथ है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रायोरिटीज को सेट करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको वर्गोस अपनी प्रायोरिटी सेट करें, गणेशा कह रहे हैं कि प्रायोरिटी सेट करें, और अभी कोई राइट टाइम नहीं है किसी भी चीज का डिसीजन लेने का, तो कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले प्रायोरिटी सेट करें, उसके बाद डिसीजन लें, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें, जो भी आपके आसपास में लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपका वर्क प्लेस है, जो भी है आप, जो आपकी बिलोंगिंग्स है उनका ध्यान रखें वो, ठीक है। और आगे जाके कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है, तो यानी आपके विशेष जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कहीं ना कहीं विशेष जो है वो फुलफिल होते हुए दिख रही है, और आपको करना क्या है, जो एक चीज आपको जरूर करनी है वो अपने इंट्यूशन को जरूर सुनना है, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग वर्गोस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी जरूर शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, रेजोनेट हुई नहीं हुई, जो भी है आपके आपके आइडियाज अपने व्यू जरूर दीजिएगा अपने कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्कारम।